जय हिंद दोस्तों। और ये बार बार एक प्रश्न आता है कि सर आप ऐसा क्या करते हैं कि आपका प्रीलिम्स बार बार निकल जाता है। तो देखिए, यूपी पीसीएस पे मैं खास तौर पर फोकस करूंगा क्योंकि 80 दिन और बचे हैं लगभग, और 27 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स है। सबसे बड़ी बात है, हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए अगर आपको प्रीलिम्स एकदम फोकस्ड होके इस बार श्योर करना है कि सिलेक्शन हो जाए। और मैंने 19, 20, 21, 22 ये चार बार मैंने यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया था और चारों बार कट ऑफ से मान के चलिए 15-20 नंबर एक्स्ट्रा हर बार मेरा आया है और प्रीलिम्स निकला है। तो उसके पीछे मैं कुछ बातें जो डिसाइड करता था प्रीलिम्स से पहले, एक एक करके मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो पहली जो चर्चा वही यही है, देखिए प्रीलिम्स का पेपर नॉलेज से ज़्यादा, या आप कह सकते हैं नॉलेज प्लस प्रीलिम्स का एप्टीट्यूड है। तो हमें पहले इस बात को समझनी चाहिए। अब बात होती है जो नॉलेज पार्ट का, तो जो नॉलेज पार्ट होता है वो आप कहीं ना कहीं से, चाहे आप कोई भी सोर्स फॉलो करते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आप घटना चक्र यूपी पीसीएस के लिए जनरली लोग पढ़ते हैं, या आप कुछ भी पढ़ते हैं, नॉलेज पार्ट के लिए आप कोई एक सोर्स पढ़ते हैं। लेकिन एप्टीट्यूड पार्ट के लिए दोस्तों वो होता है मेनली प्रैक्टिस। आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक आपका आपका कवर नहीं है फिर भी आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और मैं बार बार स्टूडेंट से ये सजेशन देता हूँ कि अभी जैसे जब आप घर पर बैठ के प्रीलिम्स सॉल्व कर रहे हो या प्रीलिम्स की कोई सीरीज दे रहे हो या एप्टीट्यूड पे वर्क कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, तो मैं बार बार ये सजेशन देता हूँ कि पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये एप्टीट्यूड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। कैसे पार्ट है इस बात को एक बार समझिए। जब आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो पहली चीज़ ये होती है कि 2 घंटे में आपकी रीडिंग स्पीड बहुत तेज से बढ़ जाती है, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ ये, रीडिंग स्पीड बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर एक एक जो क्वालिटी आती है उसको हम लोग कहते हैं एनालाइज करना क्वेश्चंस को। आप क्वेश्चन को एनालाइज करते हो, आप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सोचते हो। उससे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं एग्जाम में जो कि अगर आप केवल पढ़ाई के भरोसे जाओ, मान लो आप केवल पढ़ रहे हो और एग्जाम देने चले जाओ, और एक आप बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां पे आपका डिफरेंस मेकर हो जाता है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कई बार प्रश्न आता है, हो सकता है कोई आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन पूछ दे जो कि आपने डायरेक्ट ना पढ़ा हो, आपने डायरेक्ट वो क्वेश्चन ना किया हो, लेकिन जब आप प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करके जाते हो, एप्टीट्यूड डेवलप करके जाते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपके दिल में छुपी हुई बात होती है, जो वॉइस ऑफ कॉन्साइंस होता है, उसको आप सुन पाते हो और क्वेश्चन पे अपने आप सही टिक हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। जो दूसरी चीज़ है जो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो ये है कि हमें कितने क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो जनरली देखिए, मैं ऑब्वियसली बात है, मैं पहले कह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले इस बात को कही है, ये बात डिस्कशन की है कि टेस्ट सीरीज में पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। मैं इस बात को ऑलरेडी कह रहा हूँ कि यार 150 के 150 आप प्रश्न लीजिए और उसको अटेम्प्ट कर दीजिए, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, एग्जाम में चीज़ें कुछ कम अधिक हो जाती हैं, आप 130 भी कर सकते हो, आप 150 भी कर सकते हो, आप 140 भी कर सकते हो। ये डिपेंड किसी बाबा पे या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे या किसी गाइड करने वाले पे, इवन मेरे पे भी नहीं करेगा, ये कुल और कुल मिला के आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। आप इसका सबसे बढ़िया ये तरीका है, अभी से मत डिसाइड करो कि मुझे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। आप अभी जब प्रैक्टिस सीरीज लगा रहे हो, प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे हो, तो सारे के सारे अटेम्प्ट करो। समय के साथ देखो कि जो कट ऑफ है, मान लो आपने टारगेट रखा है कि मुझे 130 या 140 नंबर स्कोर करना है, सपोज आपने ये टारगेट रखा है, अगर आपको 100, मान लो आपको 100, मैंने मान लिया कि आपको 134 नंबर स्कोर करना है सपोज, इसका मतलब आपको 100 क्वेश्चन नेट एग्जाम में सही करना है। अब जो 100 क्वेश्चन आपको नेट एग्जाम में सही करना है, तो आपको चेक करना होगा दोस्तों कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। अब मान लो आपकी एक्यूरेसी है, सपोज आपकी एक्यूरेसी है 70%, जनरली 70% प्लस ही एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। अब 70% एक्यूरेसी में आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके काम नहीं चला पाओगे, क्यों? आपकी एक्यूरेसी है मान लो 70%, आप अटेम्प्ट करो 150, 150 अटेम्प्ट करो तो आपके सही होंगे 105 और गलत होने जाएंगे 45, यानी आपके नेट बनेंगे 90 क्वेश्चन। तो एक्यूरेसी 70% है तो आपको दो बातें चेक करनी पड़ेगी। पहली बात, या तो आप पूरे के पूरे 150 अटेम्प्ट करेंगे, या आप देखेंगे क्या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कम करने से, अटेम्प्ट कम करने से मेरी एक्यूरेसी के परसेंटेज में वृद्धि हो रही है। मान लो मैं 10-15 क्वेश्चन कम कर रहा हूँ और मेरी एक्यूरेसी बढ़ के 70 से 80 पहुंच जा रही है, 70 से 85 पहुंच जा रही है, तब मैं क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करना शुरू करूंगा। लेकिन इन केस मैं 130 अटेम्प्ट कर रहा हूं तो भी मेरी एक्यूरेसी 70% है, और मैं 150 अटेम्प्ट कर रहा हूं तो भी मेरी एक्यूरेसी 70% है, तो मुझे ज्यादा वाले अटेम्प्ट पे जाना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे आप ये थ्योरी लगा के आप डिसाइड कीजिए
और एग्जाम के समय डिसाइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज ही डिसाइड कीजिए, प्रॉपर आप 20-25 टेस्ट लगाइए, 10-15 टेस्ट लगाइए, एवरेज आउट कीजिए मार्क्स, अपने स्कोर को एवरेज आउट कीजिए कि हाँ यार मैं 150 अटेम्प्ट कर रहा था, मेरे इतने परसेंट एक्यूरेसी बन रही है, 130 अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरी एक्यूरेसी इतनी परसेंट बन रही है, और फिर जाके कहीं आप एग्जाम के समय एक मिनिमम, मैं यही बात कहूंगा बार बार, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पे पहुंचे कि मैं इतना एग्जाम में अटेम्प्ट करूंगा। इसके बाद एक चीज होती है एग्जाम का दिन, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करता है, क्योंकि एग्जाम दोस्तों अनसर्टेनिटी का ही गेम होता है, असली गेम एग्जाम में अनसर्टेनिटी होती है। जो बच्चा, जैसे मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं अनसर्टेनिटी का ही खिलाड़ी हूं, जो बच्चा अनसर्टेनिटी से निपटना सीख जाता है यूपीपीसीएस या यूपीएससी के पेपर में, उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उस दिन का पेपर होता है, अब उस दिन का पेपर अनसर्टेनिटी में क्या आएगा, आपको कितने क्वेश्चन एग्जैक्ट अटेम्प्ट करना है ये उस दिन डिसाइड करो। भाई मिनिमम ब्रैकेट तो लेके जाओगे कि यार मिनिमम मुझे 130, मैंने एक्यूरेसी देखी यार मिनिमम 130 120 तो मुझे 125 तो अटेम्प्ट करना ही करना है। लेकिन हाँ, जो हायर लेवल है, जो आप कह सकते हो जो 130 प्लस की जब बात आती है, तो वो डिसाइड करेगा कि पेपर कैसा है। पेपर एकदम हलवा छाप है, इजी सा पेपर है, बहुत आसान क्वेश्चन आया तो आपने अटेम्प्ट कर दिया कि ठीक है हम 150 कर लेते हैं, 145 कर लेते हैं। लेकिन पेपर अगर बहुत टफ आ जाता है उस दिन और आपको लगता है कि यार पेपर इस बार एकदम खतरनाक सा आ गया, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको नो डाउट कि निचले वाले ब्रैकेट में ही रहना। तो दोस्तों ये कुछ बातें जो मैं प्रीलिम्स में ध्यान देता था। इसके जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो है इंपॉर्टेंट चीजें, खासतौर पर जब प्रीलिम्स नजदीक आता है तो आपके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि अब क्या पढ़ें क्या छोड़ें। मैं बार बार यही बात कहूंगा, कुछ जो हम कहते हैं कि नीचे लगे फल हैं, ठीक है, जो आप कह सकते हो एकदम डायरेक्ट जो आपके हाथों से तोड़ सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी के क्वेश्चन बिल्कुल इजी, सबसे इजी पॉलिटी क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन उसमें भी खासतौर पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्वेश्चन बिल्कुल हलवा छाप आते हैं। एनसीईआरटी पढ़ोगे सीधे सीधे सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के हो जाएंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कुछ चीजें जो एकदम मतलब आपसे बिल्कुल हलवा छाप है, जैसे मुझे इसमें कौन कौन सा लगता था, जनरल साइंस मेरे लिए बहुत ईजी लगता था यूपीपीसीएस का, मुझे पॉलिटी बहुत इजी लगती थी, मुझे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में खासतौर पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी मुझे बहुत इजी लगती थी। इन तीनों सेक्शन के क्वेश्चन नहीं गलत करके आई, इन तीनों क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन सही करके आई। इन्वायरमेंट जो यूपीपीसीएस का इन्वायरमेंट है बहुत सही होता है, बहुत ईजी होता है, इनके क्वेश्चन ना गलत करके आई। अब मैं बात करता हूँ जैसे करंट अफेयर्स बात, तो करंट अफेयर्स कम मेहनत पे आप ज्यादा ला सकते हो। दो तरीके के लोग होते हैं करंट अफेयर्स पढ़ने वाले, एक होते हैं जो पूरे साल ढेर सारी किताबें पढ़ते हैं, ढेर सारे मैगजीन पढ़ते हैं, ढेर सारी चीजें पढ़ते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने पूरे साल विजन मंथली मैगजीन फॉलो की थी, इवन शुरुआत के दो अटेम्प्ट तो घटना चक्र की जो ईयरली मैगजीन आती है वो भी लिखी थी, आखिरी के दो अटेम्प्ट में करने लगा था तो और नंबर थोड़े से घट बढ़ गए थे। आप क्या करो, आप करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ाई करो, एग्जाम के समय का वेट मत करो कि नहीं जब एग्जाम के समय घटना चक्र आएगी तभी हम करेंगे। आप करंट अफेयर्स पूरी मंथली मैगजीन जो मैं जैसे विजन की फॉलो करता था, चाहे वो कर सकते हो, चाहे आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हो, या कोई भी यूपीएससी हिंदी की मैगजीन है तो आप वो फॉलो कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए। जब ईयरली घटना चक्र की कंपाइलेशन आए उसको रीड करिए। अच्छा, उसको केवल रीड करने से काम नहीं बनेगा, उसके क्विजेज इतने सारे लगाइए, मतलब 500-600 क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए उससे, क्योंकि देखिए पढ़ना अपने आप में दुविधा उत्पन्न कर देता है कई बार। भाई आपने लाइन से घटना चक्र में क्या होता है, और आजकल जो यूट्यूब से वीडियो भी आते हैं घटना चक्र पढ़ाने वाले, वो क्या करते हैं लाइन से सारे इंडेक्स पढ़ा देंगे, घटना चक्र में जितने इंडेक्स दिया इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इतनी, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग इतनी। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया तो कहेंगे देखो देखो हमने भी पढ़ाया था। अब भाई सारा पढ़ा दोगे, तुम्हारे पढ़ाने में क्या खास बात थी, सारा पेपर वम दिया था तो कौन सा कुछ अलग पढ़ा दिया। इस बात को समझिए कि क्विजेस की प्रैक्टिस कीजिए। भाई घटना चक्र है तो घटना चक्र 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उन 400 क्वेश्चन में से 10 उन डेट्स को याद करिए जो इंपॉर्टेंट है। सारा याद करने जाएंगे सारा गड्ढमड हो जाएगा। और मैं इस बात को बहुत इस वजह से कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, ये नए बच्चों को नहीं समझ में आएगा, जो बिगिनर्स है ना वो इन बातों को हवा में लेंगे, ये उन बच्चों को ज्यादा मेरी बात समझ में आएगी जो 2-3 साल फेल हो चुके हैं, उनको समझे हाँ सर यही गलती की थी, लास्ट बार हम लगे थे करंट अफेयर्स के लिए आखिरी में घटना चक्र पढ़ने, यूट्यूब पे 40 तरह की जो वीडियोज आती है, कोई घटना सार पढ़ाता है, कोई जो है ये क्रॉनिकल पढ़ाता है, कोई घटना चक्र का अपने आपको दावा करता है कि हम दुनिया का सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं घटना चक्र, घटना चक्र वाले खुद भी पढ़ाते हैं, तो सब लोग वो आ जाते हैं आखिरी में, ये सबको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने। आपको एज ए एस्पिरेंट इन चीजों से बहुत ज्यादा मैटर नहीं होना चाहिए, आपका मैटर होना चाहिए कि भैया क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ये मैटर है, क्वेश्चन आ गया ये हमारी खुशी की बात नहीं होनी चाहिए। तो आप घटना चक्र की जो भी मैगजीन है उससे रिलेटेड 300-400 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए,
इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को रखिए और फिर जाइए। मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, जब लास्ट ईयर था, जब मैं यूपीएससी हिंदी को प्रॉपर गाइड करता था, चीजें एकदम आगे लीड करता था, तो मैं घटना चक्र बेस्ड पंचायत करवाता था। वो बहुत मजेदार चीज है। घटना चक्र को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पंचायत कराते थे। हमने उस साल लॉन्च भी किया था कि घटना चक्र इंपॉर्टेंट 500 पेजेस। ये चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं, ये चीजें आपके एग्जाम को प्रोसेस इजी बना देती हैं। मैं खुद इस बार कोशिश करूंगा कि घटना चक्र क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपसे डिस्कशन करें। ठीक है, तो इन तीन चीजों को ध्यान रखिए प्रीलिम्स में। मेरा भी निकला है, आपका भी निकलेगा हर बार। जय हिंद, जय भारत।